पे मौसम ऐसा हो गया है लाजवाब। आज संडे का दिन है और ये आप मौसम देखो यार। तो मैं भी तैयारी कर रहा था जाने की, तो लेकिन मौसम ने करवट ले ली, तो मैंने बोला नहीं थोड़ा टाइम और रुकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ शाम तक हूँ, 5-6 बजे तक, 6 बजे से फिर नीचे श्रीनगर शिकारा में या कहीं कैंपिंग कर लूँगा। मौसम देखो यार कितना लाजवाब मौसम हो गया यार। मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ये हरी भाई देखो कितने मजे ले रहा है बिना पैसे के, गुलमर्ग में खा पी रहा है। देखो अच्छा ना ना ना, तो देखो हरी भाई इंदौरी सेलिब्रेट हो गया। देखो पिक लेने आए हैं या मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, हरी भाई इंदौरी आप आ गए, आप तो कह दोगे सच बताऊं यार इतना खूबसूरत है कश्मीर, इतना खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। और ये इस मौसम में देखो तो सही क्या मौसम है यार, चारों तरफ बादल, बीच में हरी भाई इंदौरी। तो आज गुलमर्ग में मेरा डे टू है, कल स्टे किया था यहाँ पे और ये हमारा टेंट। अभी टेंट की हालत बिगड़ी हुई है क्योंकि मेरी बात, तो ये मौसम देखो पहले ये। तो आज मुझे कश्मीरी भाई ने चाय पे बुलाया था, ये कश्मीरी रोटी और चाय, ये खा पी के तो हम यहीं रुकेंगे शाम तक, फिर शाम को हम जाएंगे नीचे, फिर वहाँ कैंपिंग करेंगे। ये और आप वहाँ शिफ्ट हो गए क्या आगे, ये वाला है दूसरा। तो आप ये मौसम चेकआउट कीजिए, क्या मौसम है, आज बारिश आएगा सेठ, आज बारिश आएगा। हेलो भाई साहब, टिप्स ले लो आप। हाँ भाई बिल्कुल लेंगे। इतने प्यारे कश्मीरी रात से जो है ना खिदमत कर रहे हैं, कोई बिरयानी खिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है। सुबह 3 बार चाय पी चुका हूँ, ये अभी चिप्स। तो बहुत ही मतलब जो है ना शानदार लोग हैं कश्मीरी यहाँ पे। तो ये अचानक मौसम ख़राब हो गया और सब टेंट वाले यहाँ से चले गए क्योंकि आसपास के थे और मैं तो बहुत दूर का हूँ, मेरा टेंट यहीं पे है, तो भाई गीला हो जाएगा। तो मैं यहाँ शाम को जाऊँगा और मौसम चेकआउट करो, अब बारिश आना चालू हो गई। तो मुझे 1-2 घंटा आराम करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद ही मैं निकलूँगा। तो मुझे नन्हे नन्हे सब्सक्राइबर मिले हैं, तो बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं। और मेरी वीडियो देखते हो आप? हाँ मैं बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो मेरा चैनल का नाम क्या है? हरी भाई इंदौरी। अरे वाह यार, देखो गुलमर्ग में भी हरी भाई इंदौरी को सब्सक्राइबर मिल गए, वाह यार, सब बच्चे हैं। और कहाँ रहते हो तुम? हम हरिमनू में हैं। हाँ तो अभी यहाँ घूमने आए हो? हाँ बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा। हाँ ठीक, तो इसको वीडियो मेरी पसंद आई, यहाँ पे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, जन्नत। तो ये गुलमर्ग जन्नत है कश्मीर का, है तो पूरा कश्मीरी जन्नत है ना, पूरा कश्मीर जन्नत है ना। हाँ तो पूरा कश्मीर जन्नत है, ठीक है ना। लगता है आज गुलमर्ग ने हमको पकड़ लिया और बहुत तेज बारिश हो रही है। आज डे संडे का दिन है तो ये हमारा गद्दा भी रेडी हो गया है, इसकी वजह से बचे हुए हैं। तो बारिश ख़त्म होगी, बंद होगी,
तो आपको नज़ारे दिखाएंगे और अभी मैं सो जाऊंगा एक दो घंटे नीचे। अच्छा हुआ गद्दी को मैं कवर लगा के आया, नहीं तो पूरी गद्दी गीली हो जाती बाइक की, और जो उस पर रस्सियाँ लगी हुई है वो सब गीली हो जाएंगी। कोई बात नहीं, अब बाहर निकले हैं तो इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा सो जाता हूँ, बाहर बारिश बहुत है और आराम से सोया हुआ हूँ मस्त। अपना खाना वाना सब है, पोहे वोहे सब रेडी है हमारे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी अपना गद्दा मस्त एकदम आराम आरामदायक गद्दा है हमारा, मज़ा आएगा। और आधे घंटे से कंटिन्यू बारिश ही बारिश है, और इतनी तेज़ बारिश है आप खुद देख सकते हैं। ये देखो, यह है गुलमर्ग। लोग लाखों रुपए खर्चा करके आए आज, लाखों रुपए, और आज संडे है, सबके लाखों रुपए की वाट लग गई यार। कोई फ्लाइट से आया, कोई कैसे आया, आज संडे का दिन इतनी भीड़ थी, हमें लगा कि आज मज़ा ही मज़ा आएगा लोगों को, लेकिन बारिश पड़ गई यार, या नसीब। तो अभी मेरा टाइम हुआ है पोहा बनाने का, क्योंकि सुबह से मुझे कश्मीरी लोगों ने सब खिलाया पिलाया। तो अभी दो कश्मीरी आए हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनको यहाँ पे मुझे बैठते ही उनको मज़ा आ रहा है, गैस देख के, पोहा देख के, टेंट देख के। देखिए, सलाम अलैकुम, ये दोनों बोल नहीं सकते। हाँ, ये इसको जो है ना गैस लग गया, इसने पूरा हाथ गैस में दे दिया ये। हाँ, सलाम अलैकुम, आप आ जाओ, आप बताओ, आप आपकी लैंग्वेज में आप पूरी बात बताओ इसके बारे में। हाँ, तो ये लैंग्वेज आपको भी समझ में नहीं आएगी जो ये बोलते हैं। अच्छा, इसको ये बाचू बोल रहा है कि घोड़े के पैसे दो उनको। चलो, इनको भी मज़ा आया, हमको भी अच्छा लगा। तो मैं बना रहा हूँ अभी पोहे, और पोहा बनाने के लिए थोड़े से सामान है और थोड़े से सामान नहीं है। और भाई साहब ये फोटो खींचने में लगे हुए हैं। तो जब तक मैं प्याज काट लेता हूँ और पोहा को जो है ना इसमें थोड़ा भिगो देता हूँ, फिर पोहे बनते हैं। और ये चाकू लिया है मैंने, और उससे घोड़े वाले से चाकू है जबरदस्त, देख दो। तो पोहा बनाने में सामान लगता है हल्दी, नमक, और ये दोनों तो है मेरे पास, और सौंफ और धनिया वनिया कुछ भी नहीं है, मिर्ची विर्ची है, थोड़ा उससे काम ले लेंगे अपन। तो सुबह से जो है ना मैं सोया हुआ था, क्योंकि कश्मीरियों ने बहुत खाना खिलाया मुझे। तो सरसों का तेल भी है, और मेरे पास एक चिकन मसाला भी है, तो चिकन मसाला डाल देंगे इसमें। हाँ, हरी भाई इंदौरी, तो ये चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं मेरा। तो ये चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं, तो कर दिया इसे सब्सक्राइब। अब मेरे उसमें मोला की वीडियो है, ये भी धार्मिक की है, ये भी वीडियो आएगी उसकी, कोई बात नहीं। मतलब कश्मीर में मैं जब से हूँ यहाँ पे, तो अच्छे लोगों से ही मुलाकात हुई है, मतलब जितने भी हुए ना 90% अच्छे से ही हुई है, कोई बुरा मुझे नहीं मिला है और ना ही मिले, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ। तो अच्छे लोगों से ही
अच्छा होता है, बुरे लोगों से कहाँ अच्छा होता है भाई। तो अभी ये मैं मिर्ची मिर्ची जैसे जैसे तैसे मैं अपने पोहे बना रहा हूँ भाई। आपको अच्छे लगे तो खा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, घर जाके खा लेना, मैं तो यही खाऊंगा भाई। तो दो मिर्ची हरी डाल दी और प्याज डाल दिया और तेल भी इधर है। पोहे में बटर डलता है क्या? नहीं डलता है ना, किसी ने बोला डलता है तो इसलिए मैं बटर भी ले आया। हाँ तो ये सरसों का ऑयल मिल गया, अभी सरसों का ऑयल डालते हैं। मुझे लगा कि बटर भी डलता है तो बटर भी लेके आया हूँ, ये चाट मसाला। तो ये बाप बेटा पोता है, और बाप बेटे तो बोल नहीं सकते, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ इनको देख के मज़ा आ रहा है बहुत, और मैं भी इनके साथ मिलजुल गया हूँ। और अभी ये सरसों का ऑयल डाल दिया और ये देख रहे कि क्या बना रहा है, ये कैसे बना रहा है। तो मेरे से सब्सक्राइब भी करा दिया इन्होंने, बोले हम आपका चैनल देखेंगे। वाह यार मज़ा आ गया। चलो खाते हैं, मजा आ गया। गुलमर्ग में पहले वहाँ पे कैंपिंग की थी तो वहाँ पे अभी कोई भी नहीं था, अकेला हो गया था, तो मुझे को अच्छा नहीं लगा। तो अब मैं बारह गुलमर्ग में यहाँ पे कैंपिंग करने आया। तो ये पूरा जो है ना कैंपिंग जोन है, एक मिनट ये देखो, ये पूरा कैंपिंग जोन है। यहाँ पे आप कहीं पे भी कैंप कर सकते हो। तो मुझे कहाँ करनी है, तो जहाँ पहले मैं था वहाँ पे पुलिस आ गई, वो बोली वहाँ से आप टेंट हटा दो, कल सैटरडे था, बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, तो हमने मना की नहीं किया, तो आप अभी टेंट वाली जगह पे लगाओ। तो मैं अभी अपनी जहाँ टेंट लगते हैं गुलमर्ग में वहाँ आया हूँ, वहीं टेंट लगाया मैंने, देख सकते हैं। और बहुत बारिश हुई थी, अब बारिश बंद हो गई है। तो अभी हम कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे कश्मीरी भाई मिले यहाँ पे, तीन चार कजिन से आप में आपस में, तो यहाँ पे आए खाना बन रहा है, देखो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना रहे हो आज? आज मीट है और मुर्गा है। मीट है और मुर्गा है, और ये मुर्गा बना रहे हैं और चावल बना रहे हैं और सलाद दो तीन किस्म है, सलाद है और सब्जी भी है। सब्जी भी है, अच्छा। तो आप कहाँ से हो? हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा से, तो आप अपने कजिन्स वगैरह हैं सब? अच्छा, चलो ठीक है ठीक। तो ये सब कजिन आए आपस में, और तीन टेंट है इनके, तीन टेंट लगे हुए। तो हम तो राइस खाएंगे और थोड़ा सा चिकन खाएंगे, बाकी मीट तो हमसे चलेगा नहीं। ये कुछ ऐसा नज़ारा देख सकते, वो पूरे बादल ही बादल है इधर, और ये हमारा टेंट है। और हम बनाएंगे अपने लिए, कुछ चिकन बनाऊंगा,
या पनीर बनाऊंगा या कुछ सब्जी बनाऊंगा और थोड़ा कुछ कुछ भी बना लूंगा, क्योंकि राइस वो बना रहे, मेरे पास राइस थे तो और मैंने दे दिए। आज बहुत थक गया हूँ यार। हाँ, और बाबू क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? टाइम हुआ है 9 और पूरा गुलमर्ग सो गया है, बस एक ही जाग रहा है, वो है हरी भाई इंदौरी, सिर्फ आप लोगों के लिए। और ये देखो नाइट का नज़ारा, वो सामने बादल ही बादल है, आपको रात को नहीं दिख रहे होंगे, ये आपको हम सुबह दिखाएंगे। अभी चलते हैं, हम आपको रात के अंधेरे के रोड दिखाते हैं। ये है रात के अंधेरे, ये मेरे अंडे है, सुबह ब्रेकफास्ट है भाई, बिना मत अंडे, दो ही अंडे हैं मेरे, दो अंडे। ये पूरा अंधेरा है और सब सो गए हैं, सब सो गए हैं, सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे क्या है, ये बैग लेना था और अंडे लेने थे, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करके जल्दी 6 बजे सही, अंडे तो खाऊंगा नहीं सुबह में, क्योंकि कल सोमवार है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है तो वहाँ अभिषेक करूँगा। सॉरी, अंडे नहीं खा पाऊंगा, चलो खिला देंगे किसी को या दे देंगे किसी को। ये कुछ रात का ऐसा नज़ारा है गुलमर्ग का, सामने फौज है। ये घोड़े अभी रात भर चरेंगे, ये घोड़े रात भर चरेंगे यहाँ पे, खाएंगे घास वास खाएंगे और कहीं ना कहीं सो जाएंगे, अपने मालिक के यहाँ जाएंगे और सुबह फिर ये काम पे लग जाएंगे। तो हमारी भी ज़िंदगी ऐसे है, ओए 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 ओए, हमारी भी पीछे महाराजा पहले से जो आपको मैंने दिखाया था आज, और हमारी भी ज़िंदगी ऐसे ही है, सुबह उठो काम पर जाओ, खाओ पियो और रात को सो जाओ। बहुत ही ठंड लग रही है यार, ठंड भी बहुत लग रही है और मैं आज बहुत थक गया हूँ, सुबह 6 बजे से उठा हुआ हूँ और गुलमर्ग का नज़ारा ऐसा है मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ के लोग इतने शानदार हैं, इतने हेल्पफुल हैं, सुबह से मैंने कुछ बनाया ही नहीं, सिर्फ पोहे बनाते, किसी ने खाना खिलाया, किसी ने रोटी खिलाई, किसी ने चाय पिलाई। और कोई जानवर आ गया यहाँ पे, तो अभी रात को कोई चावल बना रहा है और मैं अंडे ही बना लूँगा, नहीं तो रात को ही, यहाँ वो चिकन भी बना रहे हैं, चिकन भी खिला सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतनी हवा ठंडी है, इतनी हवा ठंडी है, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे हाथ ही ठंडे हो गए, कांप रहा हूँ कांप रहा हूँ। बस अभी पहुँच गया मैं अपनी मंजिल पर, ये रही मेरी मंजिल। तेल निकालना है ना, हाँ हाँ, धोली दोगे? हाँ निकाल दोगे? हाँ।
ये हमारे रसोई वाले भाई साहब हैं, हमको बोला था कि खाना आपको जो है 10 बजे देंगे। अब ऐसा टाइम कितना हुआ है? वो तो कल का 10 बजे बोले हैं ना। कितना हुआ है? 10:51। 10:51। अब भाई साहब जो है ना हमारे 51 मिनट लेट हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन खाना टेस्टी मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए। ये बन रहा है सलाद, इसमें क्या? इसमें चावल, बस चावल है। और वो चिकन किस में? वो बनाया है वो चिकन, वो एक में चिकन है और एक में मीट है। तो मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो चिकन खाता हूँ थोड़ा सा। ये प्लेट रख दो, ये हमने अपना जो है ना जेल में सुरंग रख दी अपनी। ये जो तारीफ भैया है ना, बहुत अच्छा पकाते हैं, बहुत प्रोफेशनल है पकाने में, बहुत अच्छा। लगभग 1875 से पकाते हैं ये। अच्छा, अरे वाह यार। तो ये 500 साल की इनकी एज है। ये गुलमर्ग है, देखो आप जहाँ कहाँ कैंपिंग चल रही है, और यहाँ पे सिर्फ बन रहा है चिकन है ना। यहाँ आना हो तो चिकन खूब मिलेगा आपको। भाई साहब को नींद आ गई है? नहीं आता है, अभी नहीं है, अभी ऐसे 10-15 हज़ार आते हैं। आई वाली ये चिकन है और ये चावल है। तो आज का खाना यही होगा हमारा, चिकन और चावल। ये खा के हम सोते हैं यार, बहुत नींद आँख लगनी है। समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहा हूँ यार, समझ रहे हो ना आप? अब मुझे सोना है, खाना खा के सीधे सो जाऊँगा और सुबह उठते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।